हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। बहुत खुश हूँ और हमेशा की तरह बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने करियर के पड़ाव में आगे बढ़ रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, और सबका आशीर्वाद है, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कुछ कहना चाहेंगे एक विवाह ऐसा भी जो फिल्म बनी है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत ही इमोशनल है फिल्म में, इमोशनल लव स्टोरी है और फैमिली ड्रामा है एक तरफ से देखा जाए तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने ये फिल्म का प्रीव्यू किया था तो लोगों को बहुत पसंद आई, और कुछ ऐसे थे कि बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि वो रो ना दे। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये फिल्म हमारी ऑडियंस के बीच में आएगी तो वो हमें बहुत प्यार देगी और हमारी फिल्म बहुत पसंद करेगी। जी, प्रेम कैदी भी एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो पूरा फैमिली ड्रामा है और पूरे फैमिली ड्रामा को ले करके हमारे जो डायरेक्टर है प्रवीण जी ने किस हिसाब से केमिस्ट्री दिखाई है हीरो हीरोइन के बीच में, उसमें जैतू जी है, कुणाल जी है और एक कृति करके है एक्ट्रेस, वो है, तो वो भी बहुत अच्छी है। फुल टू फैमिली ड्रामा फिल्म है वो। अभी तो फिलहाल हीरे पहले शायद हम लोग जाएंगे ना फ्लोर पे, हीरे पहले फ्लोर पे हम जाएंगे। हीरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत, और मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उस कैरेक्टर के लिए मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर रही हूँ उस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे यही रहता है कि मुझे जब भी कोई नई फिल्म मिले तो उसमें मैं अपना इनपुट बहुत अच्छा दूँ ताकि उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। जी, कुणाल जी से एक्चुअली बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, बट ऑब्वियस सी बात है जब हम बैक टू बैक साथ काम करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छी होती है, और काम की बात ली जाए तो कोई भी सीन्स होते तो आपस में हम बहुत अच्छा रिहर्सल करते ताकि उसमें केमिस्ट्री और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो, ताकि डायरेक्टर हमसे हैप्पी हो कि बहुत अच्छा सीन निकला है। और बाय नेचर भी बाय पर्सन बहुत अच्छे हैं वो, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा लगता है जब भी उनके साथ में काम करती हूँ। सिंसियर है, सीरियस है और अच्छा लगता है। हम हमारी ये शायद चौथी पांचवी फिल्म होगी जो हम साथ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने बोला एक बॉन्डिंग, तो एक होता है कंफर्ट जोन आता है जहां लगता है कि चलो दो लोग काम कर रहे हैं तो उसका आउटपुट बेहतर होना चाहिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर ये है कि बहुत अच्छी परफॉर्मर है तो अच्छा लगता है काम करना। आने वाली फिल्में, अभी जो मेरी रिलीज फिल्म थी वो थी जमाई राजा, काजल, और ये दो फिल्म रिलीज़
हुई है और पब्लिक ने उसे बहुत प्यार दिया है. अभी 25 अक्टूबर को छठी मैया आशीर्वाद छठी मैया के रिलीज़ होने वाली है और उसके बाद बैक टू बैक है मेरी एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, प्रेम कैदी, ये तीन फिल्में बन के रेडी है और मैं बहुत खुश हूँ. मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस हमें प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारी जोड़ी को पसंद करें. मैं आशीर्वाद छठी मैया के बारे में यही कहूँगी कि बहुत ही अलग फिल्म बनी है वो, क्योंकि और भोजपुरी फिल्मों से अलग है क्योंकि छठी मैया के ऊपर है वो फिल्म. अगर हम उस फिल्म को और भोजपुरी फिल्म से कंपेयर करें तो ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगा. जैसे बहुत से लोग जो ट्रेलर देखे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि अजीब है या गड़बड़ है, बट मैं उनसे ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ एक बार फिल्म देखिए. सिर्फ ट्रेलर देख के आप किसी की मेहनत को आप जज मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वो फिल्म बनने में. और छठी मैया के ऊपर ये फिल्म है और उसमें एक किरदार जो मैंने निभाई हूँ, एक हाउसवाइफ होती है, किस तरह से स्ट्रगल करती है अपने ससुराल में और छठी मैया कैसे उसकी मदद करती है और वो अपनी भक्त की कैसे पुकार सुनती है, तो बहुत अच्छी फिल्म है छठी मैया. मैं तो ये टैलेंटेड जोड़ी के बारे में जो भी कहूँ वो भी कम है और हमारे डायरेक्टर साहब ये सब जो अच्छी एक टीम मुझे मिली तो मैंने भी सोचा कि कुछ अच्छा कुछ किया जाए, तो उसके हिसाब से हमने ये लॉन्च करने का सोचा है. मैं अपने फैंस को यही कहूँगी कि हमारी फिल्म आप ज़रूर देखिए और मैं ये आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी और कि हमारी फिल्म थिएटर में जाके आप सब ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो फिल्म हम बनाते इतनी मेहनत करते हैं, जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स इतने पैसे लगाते हैं तो वो थिएटर के हिसाब से लगाते हैं, ना कि यूट्यूब पे आप लोग वेट करते हो. तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी फिल्म लगे तो प्लीज़ आप लोग थिएटर्स में जाके ज़रूर फिल्म देखिए और पसंद कीजिए और अपनी फैमिली को ले जाके फिल्म दिखाइए और कहीं ना कहीं आप सबका सपोर्ट होगा तो हमारी इंडस्ट्री और आगे चलेगी और अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं लोग. हम डेली खुश रहते हैं. हमारे साथ देखिए कितनी अच्छी हीरोइन बैठी हुई है, काजल यादव जी हैं. देखो बाजू में हर फिल्म होता है, इसका नाम है महेश जी और ये हमेशा प्रोडक्शन काम करते हैं, कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और काजल जी उस फिल्म की हीरोइन होती है, मैं पीआर करता हूँ. आज मैं देख रहा हूँ कि चार फिल्मों का पोस्टर आज लगा हुआ है, एक फिल्म का भी ट्रेलर जिसको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं और दो फिल्मों का मुहूर्त दिया गया है. पिंटू जी दो फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और दो फिल्मों का डायरेक्टर है प्रवीण जी और उनकी दो और दो फिल्में जा रही है फ्लोर पे. हर महीने में छह फिल्में करते रहते हैं प्रवीण जी, हर महीने में छह फिल्में शूट करते हैं एज ए डायरेक्टर. हर महीने में छह फिल्में तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर साहब जो ऐसी फिल्में लेके आते हैं और हम लोग उसको करते हैं. क्या काजल जी, हाँ बहुत बहुत एकदम सही बोल रहे हैं. और काजल जी की जोड़ी हमेशा कुणाल जी के साथ देख के मैं बहुत खुश होता हूँ. ये पहले तो चिंटू जी पे बोलते थे, अब कुणाल जी करेंगे, इनको भी एक पॉइंट मिल जाता है बोलने के लिए. हाँ हाँ ये ऐसे जी. क्या सर आप कुछ कमेंट करेंगे? नमस्कार सभी को. और पहले आप लोग को नमस्कार जो हमारे इतने देर आप लोग झेल रहे हैं सबको. जी मेरी ये प्रोडक्शन वाले आप लोग बताता हूँ, फिल्म खत्म होने के बाद, शूटिंग खत्म होने के बाद सबको कन्विंस देते हैं, सब पहले बोलने तो दीजिए ना उनको. हाँ अभी चुप बैठिए, बोलिए. मैं फिल्म का ईपी हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक पोस्ट होता है कार्यकारी निर्माता जिसका मैं कारभार करता हूँ. मैं ऑलरेडी सब फिल्में करता ही रहता हूँ. कुणाल जी के साथ मेरी ये पांचवी छठी फिल्म होगी, काजल जी के साथ है, प्रवीण जी के साथ मेरी कम से कम 7-8 फिल्में होगी और कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं. बाकी सब है ही, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी फिल्में कर चुका हूँ, आगे भी करने वाला हूँ, पर मेरा मेन प्रोफेशन है एज ए प्रोडक्शन, एज ए ईपी काम करना. और मेरी अब भी एक विवाह ऐसा भी का ट्रेलर आप लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. एज ए प्रोडक्शन मैंने डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टरों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है, इमोशन है, ड्रामा है और बहुत आप लोग देखने के बाद ये बोलेंगे कि एक भोजपुरी में अलग फिल्म है. जैसा टाइटल है वैसे ही फिल्म है. हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारी भोजपुरी फिल्मों के अंदर फिल्म कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है. मेरा और या मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं और सर ये फिल्म प्रेम कैदी भी मैं
फिल्म में जरूर था मगर उसमें अवेलेबल नहीं, उस चीज़ का मुझे बहुत ग्लानी है, लेकिन हमने बहुत मिस किया। मगर नेक्स्ट ऐसा नहीं होने वाला, मैं उस समय कहीं और बिजी था जी, डोली फिल्म कर रहा था, इस वजह से नहीं आया। कुछ कहना चाहिए जी? जी जरूर, मैं जी उसका इशू नहीं रहता है कभी भी, क्योंकि आजकल आरटीजीएस होता है वो क्या होता है वो समझा नहीं मुझे, लेकिन क्या है कि इनके प्रोडक्शन में मैंने अब तक इतनी फिल्में की हूँ लेकिन कभी मेरा पेमेंट का इशू नहीं रहा है, मिले नहीं मिले, बट उनको पता होता है कि कब कैसे करना है। और मैं महेश जी के बारे में एक बात ये कहूँगी कि इनके प्रोडक्शन के अंडर जब भी मैं काम करती हूँ बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ों का, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप इनके पास चले जाइए, एक अच्छी सी स्माइल देंगे और वो चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, तो भले हो ना हो लेकिन वो उनके फेस पर कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं झलकती है, तो एक बात बहुत प्लस पॉइंट है इनके अंदर और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ जब भी हम काम करते हैं। चलिए आखिरी सवाल संजय जी, चलते चलते नेहा बंसल का एक ट्रेजेडी हुई है, करीबी मित्र हैं आपकी और कुछ उनसे उनके साथ हादसा हुआ है, जरा शेयर करना चाहेंगे क्योंकि वो जानकारी आपसे ज़्यादा किसी से प्राप्त नहीं की जा सकती। नेहा बंसल ने कई हिंदी फिल्मों में एज ए लीड हीरोइन के काम किया और प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, उनकी भी शादी 6 महीना पहले हुआ था मुंबई में ही, मैं भी उपस्थित था शादी में, और जनवरी में उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद शादी हुई थी, 6 महीना के अंदर ही उन लोगों को कुछ खटपट हुआ चीज़ों को लेकर के, जो मैं मीडिया के सामने सभी बातें नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस जब तक इंक्वायरी नहीं पूरी कर लेती हम कुछ बता नहीं सकते, जानकारी मेरे पास है और जैसे जैसे मेरे पास FIR दर्ज हो चुका है मीरा और कनकिया में, और आज उनके जो पति हैं आज अमेरिका जाने वाले थे, अमेरिका अगर वो चले जाते तो फिर वो पकड़ में नहीं आते दोबारा, इसलिए LOC से परमिशन लेकर के सारे एयरपोर्ट पे लेटर दे दिया गया है और मैं चाहता हूँ उनके साथ इंसाफ हो जो भी अच्छा हो। तो कुछ भी हुआ था ऐसा मारपीट? अभी 7 तारीख के रात में नेहा बंसल उनके पति ने बहुत मारा है और पूरा घर में तोड़ फोड़ कर दिया है और सारा मामला 7 तारीख से चल रहा है। आप उसके निजी यारों हैं, देखते हैं उसकी मैरिज के वीडियो भी आपने वायरल किए थे, वो सारी चीजें हैं, तो ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला शुरू देखिए फेसबुक से प्यार हुआ है, शादी हुआ है, अच्छी बात हुआ, लेकिन अब कोई जानता नहीं, वो अमेरिका कभी गई नहीं थी, उन्होंने जब इंक्वायरी किया जब शादी होने के बाद मालूम चला कि ये आदमी फ्रॉड है, और उनका जो मीरा रोड का बंगला था 80 लाख का, 80 लाख का बंगला बिचवा के उन्होंने शादी करवा दी और जितने पैसे थे वो सारे उनके पति महाराज सब खत्म कर लिए, और ये लड़की 4 महीने से किराए पर रह रही थी, वो किराया भी उनका हस्बैंड नहीं भरते थे और अमेरिका में रहते थे, अभी हाल ही में अमेरिका से मुंबई लौटे थे, तो ये सारी मामला सामने आया। इंडस्ट्री क्या साथ दे रही है उसको? इंडस्ट्री का अभी तक तो किसी का साथ नहीं है, एजाज खान का साथ आया हुआ है और काफी लोगों ने वीडियो को देखा है और उस पर इंक्वायरी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आए दिन मुझे मालूम है मैं मीडिया में होते रहती, लेकिन इसमें 100% सच है और इसका अगर कुछ भी होता तो FIR दर्ज नहीं हो पाता, पुलिस भी सारे काम इंक्वायरी करने के बाद ही करती है। उसके प्रोफाइल की बात करें, क्या कहना चाहेंगे नेहा, क्या प्रोफाइल है? नेहा एज ए प्रोड्यूसर एज ए एक्ट्रेस जुड़ी हुई है, कई फिल्मों में वो सक्रिय रही है और हरियाणा की रहने वाली है। काजल आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक्ट्रेस होने के नाते हमारे बॉलीवुड में काफी सक्रिय रहती है, फिल्में भी बना चुकी है, एक्ट्रेस भी है, और उनके साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, कुछ जी एक्चुअली मैं नेहा जी को जानती नहीं हूँ और मैं भी ये 2 दिन पहले, हाँ जी वही मैं उसी पे वही पॉइंट पे आ रही हूँ, मैंने भी 2 दिन पहले उनका वीडियो देखी जो बहुत रोते हुए वो बोल रही थी कि उनके साथ जो भी हुआ है और बहुत गलत हुआ है उनके साथ, और मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत छोटी बात नहीं है, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा कि बाहर कंट्री से कोई भी आए और किसी लड़की के साथ ऐसा करे, तो ये रॉन्ग है और मैं यही कहूँगी कि हमारी जो सरकार है इस पर कुछ आप देखिए, आप सच क्या है उस चीज़ पर कार्रवाई कीजिए और उनको जस्टिस मिले, बस मैं यही कहूँगी। एक और हमारे मीडिया भाई ने एक न्यूज़ चलाया कि नेहा बंसल पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं, तो एक नेहा बंसल हरियाणा की ही रहने वाली है, वो शादीशुदा है, वो नेहा बंसल दूसरी है, और हरियाणा का जो SP DSP दोनों से बातचीत करके मामले को सुलझा लिया गया है, तो जो भी मीडियाकर्मी इस चीज़ को छाप रहे हैं प्लीज़ उसको न छापें, क्योंकि वो दूसरी लड़की
दी है और ये दूसरी है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आप हमारे फिल्म का ट्रेलर देखिए। तरफ से अब एक विवाह ऐसा भी प्रेम कैदी क्रिया चरित क्रिया सारे इंटायर टीम को तहे दिल से शुक्रिया। अब एक विवाह ऐसा भी कराटी मैंने किया है डायरेक्टर है प्रवीण कुमार जी और हिरिया के डायरेक्टर हैं संजू जी। दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं दोनों को शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़ें, दोनों साथ में काम करें, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जो तीनों फिल्में हैं उसमें मेरे एक अच्छे मित्र हैं महेश उपाध्याय जी, हमेशा मुझे कुछ अपनी चीज़ें भेजते रहते हैं। तो मैं एंटायर टीम के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो, बस ये शुभकामनाएं देना। थैंक यू। सबसे पहले तो जहाँ जितने गेस्ट आए वो सबको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच, सब बुलाया पर आ गए। और सबसे अच्छे ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रोड्यूसर साहब है धीरेंद्र जी, एक्चुअली एक जैसे प्रोड्यूसर होते पैशनेट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्म बनाना पैसा लगा दिया फिल्म कर रहा फिल्म बना, वैसे नहीं है, खुद पैशनेट है ये। मतलब जब भी सेट पे आते हैं तो देखते रहते हैं कैसे क्या है और इनके कुछ इनपुट जो होते हैं वो खुद डिस्कस करते हैं बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर इनका बड़ा अच्छा मतलब टेस्ट है ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें अच्छी लगी है। और बाकी कंटिन्यू अब साथ में फिल्में कर रहे हैं, प्रेम कैदी इन्होंने किया है, अभी ये दो फिल्में तिरिया चरित्र भी कर रहे हैं, अब ये भी यही कर रहे हैं, तो कंटिन्यू अभी आगे भी अच्छे प्लान्स हैं कि इनके साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा इनके साथ काम। पहले तो मैं सभी आए हुए गेस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और फिर बात सिनेमा की है तो सिनेमा में हम चाहते हैं कि एकदम क्लियर मनोरंजन मिले, जो पारिवारिक सिनेमा मिले लोगों को, और क्योंकि ऐसे भी भोजपुरी का नाम बहुत ही बदनाम हो चुका है, लोग देखना नहीं चाहते, थिएटर बहुत ही खाली जाते हैं, थिएटरिकल हमारे राइट्स नहीं बिक रहे हैं जल्दी, तो हमें वो चेंज करना है, वो चेंज ला के ही कुछ करना होगा। तो वो सोच के मैंने कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए हैं, अब देखते हैं कि पब्लिक का क्या प्रतिसाद मिलता है इस पर। जेतो जी बोलिए। जैसा कि हमारे निर्माता ने बोला, एक्चुअली हमारी भोजपुरी को काफ़ी लोग गंदी या अश्लीलता की तरफ सोचते हैं, तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि थोड़ा डिफरेंट हम करें, थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करें। और अभी ये काफ़ी जितनी भी बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं इसमें हमारी यही कोशिश है कि भोजपुरी को हम एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप थिएटर में जब फिल्में लगें तो थिएटर में देखने जरूर जाएं, आप यूट्यूब का या फिर टीवी पर आने का वेट ना करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और ये मेरा छोटा भाई सत्यम, इसने भी हमारी प्रेम कैदी फिल्म में रोल निभाया है, तो आप लोग जरूर वो फिल्म देखें। हीरो के चाइल्ड बचपन का रोल किया है, हीरो के बचपन का रोल इसी ने किया है, तो इसको भी देखने आप लोग फिल्म में जरूर जाएं, बहुत ही अच्छा कलाकार है ये, और मेरी शुभकामना है इसको कि आगे चल के बहुत बड़ा एक्टर बने। और ये प्रोड्यूसर साहब के लड़के हैं। हाँ, और ये कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। डांट वाट मिलती थी? कोई डांट जब रोल नहीं कर पाते थे कोई डांटी वाटी करता था? पापा ही डांटते थे उनको, सबने सपोर्ट किया। हां सर, जब तुम्हारी फिल्म लग रही है लोगों से अपील करना चाहोगे? लोग सब लोग जरूर आइए देखने, हमारे सब लोग जरूर आइए देखने। चलो थैंक यू। नमस्कार सर्वप्रथम मैं पूरे भोजपुरी समाज को नमस्कार करती हूँ, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ, देख रहे हैं आप ट्रेन वाले। हाँ अभी डिसाइड तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते आपको, बट मूवी का हिस्सा बनूंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अभी मैं मूवी कर रही हूँ, आज़ाद परिंदे मेरी मूवी रिलीज होने वाली है, प्रमोद प्रेमी जी के साथ है, और अभी स्वर्ग से सुंदर गांव हमारा इसमें मैं लीड कर रही हूँ, बहुत जल्द
फिल्म आने वाली है, आप जब जरूर देखिएगा। आजाद में कैसा है किरदार, आप आजाद हुई है? देखिए मैं कैद भी हूँ और दिल में तमन्ना है कि आजाद हो जाऊँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, और आज यहाँ पे तिरिया चरित्र हीरिए ये दो फिल्म और एक तीसरे का पोस्टर जो है प्रेम कैदी जिसका फर्स्ट लुक लॉन्च हो रहा है, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टर और सबको एक साथ बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च है, एक विवाह ऐसा का, जो कि काजल यादव जी हैं और शायद कुणाल तिवारी जी हैं, दोनों को दिल से शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा है कि मतलब आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, गेट टुगेदर पार्टी चल रही है, और हमारे सारे भाई लोग दिख रहे हैं जो हमेशा मिलते हैं, हमेशा हालचाल से होता है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी प्रोजेक्ट देखिए मेरा इस दिवाली पे पहले ही मेरी ट्रेलर आ रही है पुलिस गिरी की, जो मैंने फिल्म अभी ख़त्म की थी मार्च में, तो उसका अभी ट्रेलर दिवाली पे आ रहा है। और अभी बाकी मैं दो अभी नया करने जा रहा हूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और ओम जय जगदीश, जिसमें मैं और रवि किशन जी हैं, और एक मेरा अकेले सोलो गुमराह है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट एक साथ जा रहे हैं, जिसके डायरेक्टर हैं प्रवीण गुदरी जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और ओम जय जगदीश के, जिनकी एक फिल्म आज यहाँ पे हो रहा है मेरे ख्याल से, ये तिरिया चरित्र प्रवीण गुदरी जी, ये मेरी दो फिल्मों के डायरेक्टर हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और ओम जय जगदीश। ये शेड्यूल तो 22 तारीख से 22 अक्टूबर यानी कि अभी एक हफ्ते बाद से ही है, जो कि बाहर राजस्थान में किया जाएगा, जिसको मेकिंग इंडिया कॉमर्स अनिल कावरा और सुनीत काटिया सारा फिल्म इंटरनेट दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं, तो ये फ्लोर पे 22 को निकल जाएगी। सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय करा देती हूँ, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, और आपने मुझे काफ़ी सीरियल्स में देखा होगा, लाइक बेगूसराय, पीआर अंग्रेज, और हमने भी एक भोजपुरी मूवी की है बबली के बारात, जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। अनदर जो मेरी फिल्म आ रही है हिंदी फिल्म आ रही है, जिसमें पीपली लाइफ के सारी कास्टिंग उसमें आपको दिखेगी। तो ये मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और मैं यहाँ पे आई हूँ अपने फ्रेंड को काजल यादव को प्रोत्साहन देने के लिए। तो कंग्रेचुलेशन काजल यादव, आपको बहुत और आपकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम हर जगह का अपना अपना अनुभव रहता है, टीवी का अपना अनुभव है, फिल्मों का अपना अनुभव है, रीजनल मूवी का अपना अनुभव रहता है। तो मेरा अनुभव की बात किया जाए तो हर जगह बहुत कम्फर्टेबल और बहुत अच्छा। बबली की कैरेक्टर में नज़र आने वाली हूँ, जो एक पूरी तरीके से महिला प्रधान मूवी है, और आपको उस फिल्म में रोमांस भी दिखेगा, और जो मेरा रियल कैरेक्टर भी है, और एक फैमिली ड्रामा भी दिखेगा, जो एक फैमिली ड्रामा होता है वो आपको मतलब देखने को मिलेगा। आप रियल में बहुत रोमांटिक है। नहीं नहीं, मैं बबली हूँ। अच्छा, बबली है। थैंक यू। चारों फिल्में कुणाल जी की फिल्में हैं, तो मेरे तरफ से कुणाल जी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। प्रेम कैदी का आज जो है शायद पोस्टर लुक का फर्स्ट पोस्टर है लॉन्चिंग, और एक विवाह ऐसा भी का ट्रेलर लॉन्चिंग है। प्रेम कैदी इसके अलावा ये तिरिया चरित्र है जो प्रवीण गुडरे जी डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ तिरिया को डायरेक्ट। बाकी फिल्म के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ इतना ही मैं कह पाऊँगा कि एक रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसमें कि हीरो को जो किसी लड़के से प्यार हो जाता है, उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हुए लास्ट तक जा पाते हैं। इसका क्लाइमेक्स के बारे में फिलहाल अभी नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि क्लाइमेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी का छोटा सा मूल यही है कि इन दोनों के लव स्टोरी को हमने जो पर्दे पर उतारना चाह रहे हैं वो अभी हाँ, बाकी स्टार कास्ट के बारे में तो शायद इसमें कुणाल जी के साथ में काजल जी को ही हम शायद दोबारा से कास्ट करने वाले हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन प्लानिंग हुई है। शूटिंग का चल रहा है नवंबर में, दिवाली के बाद छठ के बाद 10-12 से हम स्टार्ट करेंगे शूटिंग, और लोकेशन
लोकेशन शायद हम मुंबई में ही करेंगे, लेकिन कुछ इसका पार्ट करेंगे वॉइस ऑफ साइड में, हो सकता है कि जगह था गाने के लिए नेपाल में। मैं तो प्रेम कैदी में काम किया, काफ़ी अच्छा काम था, और अपने डायरेक्टर साहब प्रवीण जी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा फिजिकल प्रोजेक्ट बना है, और स्टोरी बहुत अच्छी थी, मेरा काम भी उसमें बहुत अच्छा करेक्टर था, काफ़ी मज़ा आया काम करके प्रमोद जी के, प्रवीण जी के साथ, और संजू जी के साथ तो मैंने कई फिल्में किए हुआ, तो होपफुली ये द बेस्ट फिल्म बनाएंगे। तो यही सर, कुणाल जी के साथ तो मैं बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और कई फिल्में की हैं हम लोगों ने साथ में, तो ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और इन्होंने मतलब इतने कम टाइम में बहुत अच्छी फिल्म बना के दी, और सारी चीज़ें मतलब स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, और वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा, बहुत फैमिली माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छा था, और एक ही लोकेशन पर इन्होंने मतलब इतना अच्छा शॉट और फाइट वाइट सब बहुत अच्छा है इसमें। इसका फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट लुक आ गया है, आगे आएगा टीजर और ट्रेलर, तो उसमें और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छी फिल्म है, कंटेंट अच्छा है, और काम भी अच्छा हुआ है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो होपफुली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चारों फिल्मों के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुणाल जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुणाल जी के साथ मैंने काम किया है, और कुणाल जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत मेहनती हैं। बाकी ये जो दो फिल्में अभी बनी हैं उसमें मैंने काम नहीं किया है, आई होप कि आगे काम करें। बस इतना ही है कि कुणाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनकी फिल्में अच्छी चले, सुपर हिट हो, और हमारे डायरेक्टर साहब इनके साथ भी मैंने काम किया है, तो आने वाले समय में हम लोग हो सकता है कि साथ में काम करें। बिल्कुल, फिल्म बहुत ही अच्छा है, और दर्शकों से ये कहना है कि आए इसको देखें, बहुत ही अच्छा फिल्म। फिल्म बहुत ही अच्छा है, और दर्शकों से ये कहना है आए ये फिल्म को देखें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ है, और इस फिल्म में बहुत ही मतलब दर्शकों को अच्छा लगेगा, इस टाइप का है ये, और इसको देखना चाहिए, करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। कुणाल ही बहुत ही अच्छा मतलब एक्टर्स हैं, और मेरे फ्रेंड भी हैं, और बहुत दिनों से हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही बेस्ट एक्टर्स में से एक है, और अच्छा चलेगा हर चीज़ से। किसके? काजल यादव जी है, वो भी बहुत अच्छी हीरोइन है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारा फिल्मों की है, और आगे भी बहुत अच्छा करेगी, और इस फिल्म में तो बहुत अच्छा ही है, एक्सपीरियंस है, हर एक की सब कुछ अच्छा है, और करेगी। नहीं, वो सब बहुत जल्दी हो जाएगा, वो सब कुछ जो भी है शेड्यूल वाइज शेड्यूल फास्ट ही होने के चांसेस है, और करेंगे हम लोग फास्ट करेंगे। फिल्म में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा है, दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए साफ सुथरी फिल्म बनाई गई है, और पवन जी का और काजल जी की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फिल्मों में देखी गई है लोगों ने, हाँ, तो उस चीज़ को हमने बनाने की कोशिश की है। अब देखिए आगे पब्लिक का जो सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से जो अच्छा रहेगा आगे हम और काम करेंगे। प्लानिंग हमारी और भी है, इसके बाद भी कोई एक फिल्म है उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं, आगे देखिए पब्लिक कितना सपोर्ट करती है। और वैसे तारीफ की बात करें तो सिर्फ काजल और कुणाल के जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, उस हिसाब से हम इस फिल्म को और बना रहे हैं, और इसके आगे भी हमारे प्लान हैं इन दो जन को लेके आगे और फिल्में हम बनाएं। और
दर्शकों से यही निवेदन है हमारा कि प्लीज़ एक बार आके देखिए और फिल्म का मज़ा लीजिए। थैंकफुल हूँ कि इन्होंने भरोसा किया, इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इससे पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई है शिवा करके, वो भी बहुत जल्दी आएगी मार्केट में, आप लोगों के सामने देखने को भी मिलेगा उसका ट्रेलर। अभी जो प्रिया चरित्र और हीरिये का भी है तो इनमें भी इन लोगों का एज अ प्रोड्यूसर है, जो भी सारी चीज़ें तीन प्रोड्यूसर हैं जो मिल के कर रहे हैं, अभी एक है वो आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि होता है ना एक टीम वर्क होता है, तो मुझे लगता है आउटपुट बहुत बेहतर निकल के आएगा। थैंक यू। दोनों की मूवी मैं देखा हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बहुत बधाई कम ना। कुणाल तो हमारे चॉकलेटी हीरो है और अच्छे हैं। ये बोलिए अब आप। पहले तो बहुत बहुत बधाई इस पूरी टीम को, कुणाल जी को, डायरेक्टर प्रवीण जी को, हीरोइन काजल जी को, म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी को। ये पूरी एक कंपनी है जो दो दो महीने पे एक फिल्म निकाल रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इस सबके पीछे मास्टर माइंड जो काम करता ओकर नाम हम एस उपाध्याय, हाँ हमने के कहा अकिल से उपाध्याय होला, उपाय से उपाध्याय। तो बहुत बहुत सब लोग के बधाई बा और हार्दिक शुभकामना बा। ये लोग से हम शुरू से जुड़ल बानी, कुणाल जी के शुरू से हर पिक्चर से हमारे जी में एकर मार्केटिंग के पूरा काम रहेला। तो अब क्या कहे के बा, हमेशा साथे बानी, भगवान करे से लोग हमेशा जोड़ी बना रहो, पूरा टीम बना रहो और हमेशा दो महीना पे एगो पिक्चर आवत रहो, हमहूँ कमाई और पब्लिको देख के मजा लेते रहो सबके। थैंक यू, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.